नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। सबसे पहले आपके जितने प्रश्न हैं उसका जवाब देने के बाद ओरल पाम रीडिंग पर आएंगे। तो पहला प्रश्न ये है कि अभी आप अपने प्रोफेशनल लाइफ में प्रिपरेशन कर रहे हैं फॉरेन लैंग्वेज के रिगार्डिंग, टीचिंग के रिगार्डिंग, क्या ये फील्ड आपके लिए अच्छा है? मैरिज आपका कैसा रहने वाला है? कैसा ओवरऑल आपका मैरिड लाइफ पार्टनर रहने वाले हैं? फाइनेंशियली किस तरीके का प्रोग्रेस लाइफ में रहेगा और ओवरऑल हेल्दी एंड हैप्पी लाइफ आपका है कि नहीं? सबसे पहली बात आपके हथेली में ये है कि टीचिंग लाइन के रिगार्डिंग पूरे के पूरे योग आपके हथेली में दिखाई दिए हैं। सबसे पहले आते हैं गुरु के क्षेत्र पे। जो भी व्यक्ति टीचिंग लाइन में सफल होते हैं एज अ लीडर, टीचर, कंसल्टेंट या प्रोफेसर, बहुत ऊपर अपने लाइफ में उठते हैं, तो जुपिटर पे स्क्वायर का साइन बनता है और आपके हथेली में स्क्वायर के साइन के साथ में विंडो साइन का कॉम्बिनेशन भी बिल्ड हो रहा है। इस तरीके से स्क्वायर का साइन अपने आप में प्रोटेक्शन रिप्रेजेंट करता है कि आपका जो फ्यूचर है और ओवरऑल आपका जो करियर है ये बहुत ज़्यादा स्टेबल एंड सिक्योर रहेगा, कंटिन्यूस प्रोग्रेस इसमें रहने वाला है। इसके असर कब तक आपको जीवन में आएंगे ये अभी हम लक लाइन और लाइफ लाइन पर जज करेंगे, बट यहाँ पर जुपिटर के द्वारा कन्फर्मेशन हो चुका है कि यस, ये फील्ड आपके लिए बहुत ज़्यादा परफेक्ट है। अब इसमें जब विंडो साइन का कॉम्बिनेशन आता है तो विंडो साइन को अपॉर्चुनिटी का कॉम्बिनेशन माना जाता है। अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी सोसाइटी के रिगार्डिंग, लोगों के रिगार्डिंग, आपके साथ जो लोग उठेंगे बैठेंगे या जिनके संगत माहौल में आप रहने वाले हैं आने वाले समय में, वो बहुत ऊंचे तख्ते के लोग रहेंगे या अपने लाइफ में बहुत ऊपर उठे हुए रहेंगे। वो आपको प्रेरित, प्रभावित, आकर्षित करेंगे या बल देंगे कि आप भी अपने लाइफ में बहुत ऊपर उठिए। ऊपर उठने का तात्पर्य सिर्फ स्टेटस वेल्थ ही नहीं है, मेंटेलिटी भी है, क्योंकि यहाँ पर जो चाइल्डहुड ट्रोमा आपने फेस किया है, ऊपर से जो आपका लिटिल फिंगर इतना शॉर्ट हुआ है जो स्टेज फियर देता है या शाइनेस दे रहा है, ये सारी कैपेबिलिटीज़ को दूर कराने के लिए लोग आपके जीवन में आएंगे। सबसे पहले विंडो साइन बहुत ज़्यादा हेल्प करता है अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इन्हेंस करने के लिए, इसीलिए बड़े स्तर पर जाना, बड़े इंस्टीट्यूशन से जुड़ना, बड़े लोगों के साथ उठना बैठना, बड़े कल्चर से बिलोंग कर लेना, ये सब कॉम्बिनेशन ये विंडो साइन दे रहा है। अब ये समय के साथ और स्ट्रॉन्ग जब हो जाएगा तो इसके हमें प्रोमिनेंट रिजल्ट मिल जाएंगे, लेकिन अगर हम आपकी लाइफ और लक लाइन से जज करें तो यहाँ पर साफ रूप से दिख रहा है कि आपकी जो यहाँ लाइफ लाइन है इस पे अभी एक आइलैंड का साइन दिखाई दे रहा है जो कहीं ना कहीं स्ट्रगल, स्ट्रेस को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, और इसके जस्ट बाद से एक जो प्रोग्रेस लाइन निकली है उसके बाद में आपकी लाइफ लाइन में कोई नेगेटिविटी नहीं आई है, यानी इस पीरियड से आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ अपग्रेड होने वाली है, क्योंकि लगातार प्रोग्रेस लाइन है और पूरी लाइफ लाइन ही चेंज हुई है इसके बाद। तो इसके कारण लग्जरीज, कंफर्ट, रॉयल्टी, स्मूथनेस, ये सब आपके जीवन में एकाएक इस पीरियड से आने वाला है। अब हम इस पीरियड को अगर जज करेंगे तो ये समय आपके जीवन में अप्रॉक्सीमेटली 31 और 32 का दिखाई दे रहा है। तो जस्ट उसके पहले आइलैंड का बनना इस बात का संकेत है कि जो करंट पीरियड अभी चल रहा है, हेल्थ पर बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा, अदरवाइज आपको हेल्थ के कारण एनर्जी लॉस होना या एक तरीके से इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन आना या अननेसेसरीली डिस्टर्बेंस आने के योग दिखाई दिए हैं। इसका क्या प्रिकॉशन मेजर्स है वो सब आपको व्हाट्सएप पर शेयर किया जाएगा, लेकिन ये नेगेटिविटी इसलिए आ रही है ताकि एक्सट्रीम पॉजिटिविटी आपके ओवरऑल लाइफ में आ सके। एक्चुअल में ये नेगेटिविटी इसलिए भी आ रही है ताकि आप थोड़े से आइसोलेशन में जाएं। आइसोलेशन में जब व्यक्ति जाते हैं तो उस कंडीशन में उनका खुद का उद्धार, डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि आइसोलेशन में खुद के करीब ज़्यादा आते हैं। तो इस कंडीशन में अगर आप सोशल मीडिया यूटिलाइजेशन कम कर दें, अपने आप को आइसोलेशन में रख के मेडिटेशन, योगा, प्राणायाम को प्रारंभ करें, अपनी इनर क्वालिटी को जानें, इन्हेंस करें, तो जब आप अपने खुद के निकट आएंगे बहुत ज़्यादा तो आपको बिलीव होगा कि क्या स्ट्रेंथ है आपके अंदर। कारण ये है, स्ट्रेंथ के रिगार्डिंग बात इसलिए की गई है क्योंकि आपका पाम एक तो फ्लफी है और ऊपर से चंद्र और शुक्र और आउटर मार्स, जुपिटर, ये सब माउंट बहुत अच्छे डेवलप हैं। जब ये डेवलप होते हैं तो आप जैसे जातकों के अंदर परमात्मा ने हर विषय को लेकर के हिम्मत और क्वालिटीज़ दी हुई होती है जिसको आप फेस ईजिली कर सकें, लेकिन मेन प्रॉब्लम है चाइल्डहुड ट्रोमा। चाइल्डहुड ट्रोमा जो भी फेस करते हैं अपने जीवन में वो पूरा का पूरा मेमोरी लाइफ टाइम चल रहा होता है, या वहाँ की जो भी हरकतें होती हैं, सीख होती हैं, या जो नकारात्मकता होती है वो बार बार अफेक्ट लाइफ को कर रही होती हैं। तो यहाँ पर एक सजेशन सिर्फ ये है कि आइसोलेशन में तो जाना ही है और ऊपर से अपना सेल्फ डेवलपमेंट करने के लिए प्रोसेस आपको ये फॉलो करना ही है, लेकिन लिटिल फिंगर जब भी एक तरीके से यहाँ नीचे दबी हुई होती है या शॉर्ट होती है तो किसी दूसरे के सजेशन से पार्टनर मत चूज़ करिएगा आप, क्योंकि
जब भी माइंड और लाइफ लाइन बहुत ज़्यादा मर्ज होकर चलती है तो ना चाहते हुए भी दूसरों को सुन के काम करने की आदत को बढ़ावा देता है, दूसरों के अनुसार चलना पड़ता है। और लिटिल फिंगर भी जब शॉर्ट हो जाए तो ना नहीं कह पाते, और ये सारी चीज़ें होती है शर्मिलापन स्वभाव के कारण या एक तरीके से हिचकिचाहट घबराहट के कारण। तो पार्टनर जो भी आप चूज़ करें अपने खुद की बल बुद्धि या समझ या आत्मा के मिलन से करें, तो इससे आपके जो भी फियर हैं मैरिड लाइफ को लेकर के या एक तरीके से स्ट्रेस आ रही है इमीडिएटली आपका ख़त्म यहाँ पर हो जाएगा। तो यहाँ पर मेन कंसर्न ये है आपके एजुकेशन के रिगार्डिंग फर्स्ट ऑफ ऑल, तो वो एजुकेशन आपके लिए फ़ायदेमंद है, टीचिंग लाइन आपके लिए फ़ायदेमंद है, और इसके रिगार्डिंग लक एंड अपॉर्चुनिटी करेक्ट आपको 32 के एज से लगातार मिलता चला जाएगा। तो आपका जो प्रोग्रेस है 32 के एज से कन्फर्म होता हुआ यहाँ दिखाई दिया है। इसके बाद में अगर हम पार्टनर के रिगार्डिंग बात करें तो यहाँ पर एक बहुत अच्छी बात देखने मिली है कि जब ये स्ट्रगल आपके लाइफ में अभी आ रहा है, हमें इसी स्ट्रगल को बहुत बड़े अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करना, इसलिए आइसोलेशन लाना ज़रूरी है। तो इसके जस्ट बाद में आप देखेंगे तो एक बहुत प्रोमिनेंट सपोर्टिव लाइन एक्टिव हुई है, और इसके जस्ट आसपास से और मेजर सपोर्टिव लाइन यहाँ पर आपको एक्टिव होती हुई दिखाई देगी। ये सब एक्टिवेट लाइन, सपोर्टिव लाइन, गार्डियन एंजल लाइन है जो पार्टनर और उनके फैमिली से मिलने वाले बहुत अच्छे सपोर्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। और जब ये प्रोग्रेस लाइन यानी ये सक्सेस लाइन के साथ में जब सपोर्टिव लाइन आती है तो ये इंडिकेट करता है कि आपका सर्वाधिक उद्धार या विस्तार आपके पार्टनर के सपोर्ट और लक से होने वाला है। तो इसीलिए यहाँ पर सिर्फ एक बात का ध्यान रखना है कि जिससे भी आपके आत्मा का मिलन हो, जिससे भी आपके आत्मा जुड़े, जो भी आपको ठीक लगे, फिर उसके विषय में पूछना पाछना नहीं है किसी से, सीधे के सीधे आपको आगे बढ़ जाना है। तो यहाँ पर ये आपको कभी भी किसी तरह का नेगेटिविटी लाइफ में देने नहीं वाला है। और सपोर्टिव लाइन होती है पाम में, जुपिटर माउंट अच्छा देखने को मिले, शुक्र अच्छा देखने को मिले, तो बहुत ही हेल्दी वेल्दी एंड बहुत अच्छे लक के साथ में मैरिड लाइफ या पार्टनर देखने को मिलते हैं। बहुत अच्छा लव केयर अटैचमेंट देखने को मिलेगा और भरपूर सपोर्ट मिलेगा, और इवन आप भी देंगे तो उससे बहुत अच्छा बैलेंस मैरिड लाइफ यहाँ पर ये दे रहा है। फाइनेंशियल कंडीशन के रिगार्डिंग हम देखेंगे तो यहाँ पर आपकी जो लक लाइन है अभी तक पूरी कमज़ोर है, लेकिन करेक्ट 32 और 3 के एज से आपकी लक लाइन में एक बहुत ज़्यादा गाढ़ापन मजबूतपन आया है, और जब ये कॉम्बिनेशन आता है तो ये पैसा बहुत ज़्यादा देना शुरू करता है। तो यहाँ पर इसके कंडीशन के अतिरिक्त भी हम सूर्य पे देखेंगे तो स्टार का कॉम्बिनेशन है जो आपके मदर के हैंड में भी डेवलप होने वाला है। तो आपके पाम में जो ये डेवलप है ये इंडिकेट कर रहा है कि जो आपके अंदर स्किल, स्पेशलाइजेशन, टैलेंट, नॉलेज है, जिस विषय में आपने इतनी मेहनत की है, वो उसका परचम लहराएगा, यानी दूर दूर तक आप इसके रिगार्डिंग नाम, सम्मान, धन दौलत कमा सकेंगे। आपके पास कभी भी जॉब की या काम की कमी देखने को नहीं मिलेगा, और ऊपर से ये चिन्ह रिवॉर्ड अवार्ड दिलाता है। तो टॉप पोजीशन अथॉरिटीज़ आपका करियर में बिल्ड होने के चांसेस इस स्टार के कारण अच्छे हैं, और ये जब भी बनता है तो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंसी बहुत अच्छी होती है। इसके रिगार्डिंग बेफिक्र रहिए। और हेल्थ और हैप्पी लाइफ के रिगार्डिंग बात करेंगे तो जुपिटर माउंट पे जब भी विंडो साइन बनता है तो पब्लिक डीलिंग कैपेसिटी बढ़ा लेनी चाहिए। जितना ज़्यादा आप लोगों से जुड़ेंगे, लोगों के काम आएंगे, जितना ज़्यादा आप घूमेंगे फिरेंगे, क्योंकि चंद्र जो क्षेत्र है ये जब डेवलप होता है तो खान पान और घूमने फिरने का शौकीन बनाता है, प्रकृति के निकट ले जाता है। तो अगर आपको खुश होना है तो प्रकृति के निकट जाना, ग्रीनरी में जाना, अलग अलग जगह पर जाकर एक्सप्लोर करना, ये सारी चीज़ें करने के साथ सामाजिक स्तर पे अपनी एक तरीके से योग्यता क्षमता को बढ़ाना आपको लाइफ में बहुत ज़्यादा हैप्पी करेगा। और हेल्थ के रिगार्डिंग बात करें तो जब भी जुपिटर माउंट बहुत ज़्यादा डेवलप होता है तो फैट को ज़्यादा शरीर में बढ़ाता है। और यहाँ पर हम आपके हार्ट लाइन को देखेंगे तो आयलैंड के कॉम्बिनेशन है इसमें, तो ये सब प्रॉब्लम शुगर और आपको कोलेस्ट्रॉल का देता यानी दे सकता है। तो फिजिकल फिटनेस के रिगार्डिंग अभी से आपको काम करना है ताकि इन फ्यूचर या अभी करंट सिनेरियो में भी जो हेल्थ इशू आने के योग दिखाई दिए हैं ये आपको पूरे नेगेटिव अफेक्ट ना कर सकें। इनफैक्ट ये आपकी लाइफ में उल्टा पॉजिटिविटी ही करके जाए, इसलिए आपको वॉकिंग पर ज़्यादा ध्यान देना है, पसीना निकालना है। पसीना जो कारक है वो मंगल और शनि का होता है, तो मंगल यहाँ पर फैट को ख़त्म करने के लिए और रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए अच्छा है, और शनि यहाँ पर मूड स्विंग, अननेसेसरीली स्ट्रेस वरीज, अधिक चिंतन मनन, नेगेटिव थॉट, एन्जाइटी, इन सारी चीज़ों को ख़त्म करने के लिए अच्छा उपाय है। तो ये आपको प्रैक्टिस करना है तो आपको फिर हेल्थ के रिगार्डिंग भी
इशू ओवरऑल नहीं आएगा। तो फिलहाल हम बात करेंगे आपके ओवरऑल पाम के एनालिसिस के अतिरिक्त। तो फिंगर की लेंथ पाम के कंपेरिजन में शॉर्ट है, जो फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट, इमीडिएट वर्क करने के टेंडेंसी, क्विकली एक्शन लेना, रिस्पॉन्ड करना, पहले एक्शन लेना देन आफ्टर थिंकिंग करना, और पेशेंस की बहुत ज़्यादा कमी ये देता है, क्योंकि जो भी कुछ चाहिए जल्दी चाहिए और उस कारण से शॉर्टकट अपनाते हैं और फिर एट द एंड रिजल्ट कुछ भी नहीं मिल पाता है। इन चीज़ों से बचना है, धैर्य को बढ़ाना है, स्टेप बाय स्टेप कोई भी काम करना है, शॉर्टकट नहीं अपनाना है, अर्थात बेचैनी उतावलापन नहीं आने देना है। तो आपके लिए कुछ भी पाना नामुमकिन है ही नहीं, सब कुछ पाना सरल हो जाएगा, क्योंकि जब पाम में प्रत्येक क्षेत्र और पर्वत उभरा हुआ होता है तो यानी सभी ग्रहों की कृपा दृष्टि अच्छी मानी जाती है, सभी के द्वारा स्ट्रेंथ एट द एंड मिलता है। बस फिंगर जो है यूटिलाइजेशन को रिप्रेजेंट करता है कि ये जो पाम की एनर्जी है इसे हम कैसे यूटिलाइज़ कर रहे हैं। तो जल्दबाजी, हड़बड़ी, बिना सोचे समझे किए गए कार्य से आपको सिर्फ नुकसान है जीवन में। तो जितना ज़्यादा आप डीप थिंकिंग करेंगे, स्टेप बाय स्टेप काम करेंगे, उतना ज़्यादा फ़ायदा जीवन में मिलता जाएगा। और फिंगर के बीच में गैप फ्रीडम लवर ओपन माइंडेड पर्सनैलिटी डेवलप आपका कर रहा है, इसीलिए आप अपने सूझबूझ के साथ कार्य करिए। लेकिन लिटिल फिंगर यहाँ पर अभी भी शॉर्ट है, तो किसी के सजेशन में, आनन फानन में बिना सोचे समझे काम करने से बचें, डिसीजन लेने से बचें, वो सब आपको और ज़्यादा नेगेटिविटी देगा। इस कंडीशन में लॉन्ग टर्म विज़न रखें, गहराई से किसी बात के जाएं और एक समय पर एक काम करने की आदत डालें, तो आपके हर काम में परफेक्शन और स्टेबिलिटी आता दिखाई देगा। तीसरी उंगली की लंबाई अच्छी है तो रिस्क लेकर लाइफ में आप आगे बढ़ेंगे, लेकिन जब तीसरी उंगली लंबी हो, स्टार का साइन हो, तो लाइफ में प्रोग्रेस करने का सिर्फ एक नियम आपको डालना है, वो है अपग्रेडेशन। और वैसे भी ये नेचर में अपग्रेडेशन देता ही है, जिसमें आप जैसे जातक एक तौर तरीके का काम करके लगातार बोर जल्दी होते हैं, इसलिए थोड़ा सा यूनिक वे से काम करना या एक तरीके से अपग्रेडेशन करना, थोड़ा चुनौतियाँ लेना, ये सारी चीज़ें फिर पसंद करना शुरू करते हैं। तो यानी अगर आप अपने लाइफ में, लर्निंग में, अपने थिंकिंग प्रोसेस में जितना ज़्यादा अपग्रेडेशन लगातार करते रहेंगे, उतना ज़्यादा आप खुश भी रहेंगे और प्रगतिशील भी देखने को मिलेंगे। शनि की उंगली लंबी है, जिसके कारण यह मेहनती आपको बनाए अंततः देगा, और गुरु का झुकाव भी शनि पे होने के कारण धार्मिक रुचियों को भी बढ़ाने वाला है। फिंगर के ऊपर आपकी सीधी खड़ी रेखा फ्रेंडली टाइप का नेचर दे रही है, और सूर्य पर थोड़ी आड़ी रेखा ज़्यादा दिखाई दी है। सूर्य हुआ यहाँ पर और आपका शनि का क्षेत्र मिडिल जोन, तो इस कंडीशन में ये इंडिकेट कर रहा है कि आपका संबंध उनसे बहुत जल्दी टूटेगा जो आपके मन के अनुसार नहीं चलेंगे। होता ये है कि सैटर्न फिंगर का जो सेकंड फेलेज है, वहाँ जब आड़ी रेखा होती है, तो इस कंडीशन में ये दर्शा रहा है कि आप देते बहुत हैं, यानी एक तरीके से आपके अंदर सपोर्ट सिस्टम बहुत अच्छा है, इमोशनल टाइप का नेचर है, लेकिन जितना आप दे रहे हैं उतना आप एक्सपेक्टेशन भी रख रहे हैं कि उतना मिले, और नहीं मिलता है उतने लेवल का तो रिलेशन में डिस्टर्बेंस आता है। और सूर्य यहाँ पर पिता का भी कारक है, ऊपर से जो लोग बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक होते हैं या अहम में रहते हैं, वहाँ से भी आपके संबंध टूटेंगे। तो यहाँ ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम तो नहीं होती, लेकिन ये एक्चुअल में आपको इमोशनल डिस्टर्ब ही करेगा। आड़ी रेखा कभी भी फिंगर पे अच्छा काम करती ही नहीं है, नेगेटिविटीज़ को बढ़ाती है, तो आप कारण मत बनने दीजिए कि ये आपकी नेगेटिविटी बने, इसीलिए इनको इग्नोर करने की कैपेबिलिटी आप अपने अंदर डालिए तो आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। फिंगर के नोट्स डेवलप क्लियर कट नहीं है, तो पूछ पूछ के काम करना, दूसरों के अनुसार अंततः चलना, दूसरों से जल्दी प्रेरित प्रभावित होना। अब इसमें एक चीज़ ध्यान रखें कि ये हो इसलिए रहा है क्योंकि आपका थंब बहुत ज़्यादा शॉर्ट है, और जब शॉर्ट थंब होता है तो बहुत जल्दी किसी का फॉलोवर बनाता है, बहुत जल्दी फॉलोवर बनते हैं, जिनको फॉलो कर रहे हैं उनको चेंज करते हुए पाए जाते हैं। तो यानी आपकी बुद्धि विवेक अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के अनुसार काम कर रही है, तो इस थंब को मजबूत करने के लिए एक तो आइसोलेशन रेमेडी है ही, मेडिटेशन रेमेडी है, अपने साथ वक्त भी बिताना और अपने क्रिएटिविटी आर्ट को फॉलो करना, क्योंकि चंद्र आपका विकसित है, तो जब जब आप अपने पैशन, आर्ट, हॉबी में इंटर करेंगे या इंटरेस्ट में, तो आप ज़ीरो थॉट प्रोसेस में जाएंगे, और जब आप ज़ीरो थॉट प्रोसेस में जाएंगे तो वरी फ्री, स्ट्रेस फ्री और तमाम तरह के नेगेटिविटी से जब आप फ्री होने लगेंगे तो आपका बुद्धि चैतन्य अवस्था में आने लगेगा, मन नियंत्रण होने लगेगा, तो आपको कभी भी फॉलोअर बनने की ज़रूरत नहीं है। और इसीलिए बार बार बतलाया जा रहा है, और इसीलिए फिंगर पे भी बतलाया है, लिटिल फिंगर पे, कि पार्टनर दूसरों के अकॉर्डिंग चूज मत करिएगा।
यहाँ पर योग का साइन डेवलप हो रहा है, ये मटेरियलिज्म एंड स्पिरिचुअलिटी डेवलप करता है मेडिटेशन के द्वारा और रिचुअल फॉलो करने के द्वारा ये साइन और डेवलप होगा, बट ओवरऑल आपकी लाइफ में किसी तरह की सुख सुविधा की कमी रहने नहीं वाली है। और फर्स्ट फ्लेंज पर आड़ी रेखा हाइपरटेंशन वरीज दे रही है और सेकंड फ्लेंज की आड़ी रेखा बेफिजुल के तर्क वितर में नुकसान दे रही है। किसी ने कहा 2-500, आप बिल्कुल कहिए सही है और आगे बढ़ जाइए। बेफिजुल का दूसरों के मसलों में पड़ना, अपने आप को सही प्रूफ करना, ये सारी चीज़ों से अगर आप बचते हैं तो आप अपनी एनर्जी को पूरा बचा लेंगे और वो एनर्जी फिर आपको फोकस, डिवोशन, डेडिकेशन अपने काम के प्रति बढ़ा देगा। पाम का स्ट्रक्चर जब रेक्टेंगुलर होता है और ऊपर से फ्लफी होता है तो इस कंडीशन में यह दर्शाता है कंफर्ट लेवल, कि आपको लाइफ में कंफर्ट जोन पसंद रहेगा, शालीनता पसंद रहेगी, एक तरीके से बहुत ज़्यादा हाई म्यूजिक या स्ट्रेसफुल सराउंडिंग सिचुएशंस में भी रहना पसंद नहीं करते, इत्मीनान से आराम से अपने काम में मग्न रहना, किसी का इंटरफेयर डिस्टर्बेंस पसंद ना करना, ये सारी क्वालिटीज़ ये देता है। बट एट द एंड कहने का तात्पर्य ये है कि ये कॉम्बिनेशन सेंसिटिविटी थोड़ा ज़्यादा दे रहा है, तो ये इस बात को दर्शा रहा है कि आपको कहीं ना कहीं सिचुएशन हैंडलिंग कैपेसिटी को बढ़ाना चाहिए, अदरवाइज़ हर तौर तरीके से सिचुएशन आपके हक में नहीं रहेगा, आपको अपने हक में सिचुएशन को, सराउंडिंग को लाना होगा। इसको करने के लिए आपको अपने चंद्र को और सूर्य को मजबूत करना चाहिए। तो मन इसलिए, क्योंकि मन मजबूत करना है, नियंत्रित करना है, और सूर्य यानी आत्मविश्वास को बढ़ाना है, तो इसका सजेशन आपको दिया जाएगा। फिलहाल आते हैं आपके जुपिटर माउंट के ऊपर में, तो जुपिटर माउंट पे भी आपकी प्रोग्रेस लाइन हमेशा से मौजूद रही और निकलते ही रही, जिसने आपको एम्बिशियस बना रखा है और इसने नेगेटिव सिनेरियो में भी यानी बचपन में भी आपको कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग मेंटेलिटी या हाई थिंकिंग अप्रोच माइंडसेट दिया है। इन सब के बाद में जो हमने विंडो साइन का कॉम्बिनेशन देखा, इसको यूटिलाइज़ करने के लिए समाज से जुड़ना इसलिए ज़रूरी है ताकि आपके अंदर की स्ट्रेंथ बाहर निकले, फियर बाहर निकले, फियर यानी ख़त्म हो, और ओवरऑल गेन, हायर नॉलेज और ओवरऑल समझ, ये सारी चीज़ें बढ़ सके। तो इसलिए किसी भी तरह के एनजीओ में या एक तरीके से सोशल सर्कल में अपने मन मुताबिक आप बिल्कुल जुड़िए और ये सारी चीज़ें आपको अलग अलग तौर तरीके से लाभ देना, रास्ते देना, अपग्रेडेशन लाइफ में देना शुरू करेगी। इसके बाद में जुपिटर माउंट जब पॉजिटिव होता है, डेवलप होता है, तो इस कंडीशन में ओवरऑल लाइफ में रिसोर्सेज, स्टेटस, मैरिड लाइफ, एजुकेशन, हेल्थ, इन सारी चीज़ों को ये बेनिफिट देता है, क्योंकि गुरु अगर हथेली में अच्छे हो गए तो ओवरऑल सभी तरह के नेगेटिविटीज़ को ओवरकम कर देते हैं। बस ये थोड़े ओवर डेवलप है तो हमें फैट को मेंटेन रखना है, अदरवाइज आपको कफ के रिगार्डिंग, फैट के रिगार्डिंग ज़्यादा प्रॉब्लम आ सकती है और रोग प्रतिरोधक क्षमता में कमी आ सकती है। शनि के क्षेत्र पर आपकी सपोर्टिव लाइन एक्टिव है, तो इसलिए ये मूडी टाइप का नेचर आपको दे रहा है, मल्टीपल इमोशन एक साथ रन होते हैं, लेकिन ओवरऑल सेंसिटिविटी, इमोशनल, सपोर्टिव, लविंग, केयरिंग टाइप का नेचर ये ज़्यादा दे रहा है, तो ये चीज़ आप अपने पार्टनर से एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि इन रिटर्न आपको एक समान का तवज्जो वहाँ से मिल सकेगा। शनि के क्षेत्र के ऊपर बायफोर्क का कॉम्बिनेशन का नियम है अधिक खर्च अधिक आय। जीवन में कभी भी आपका पैसा रुकना नहीं है, लेकिन कभी भी पैसों की भी कमी नहीं पड़नी है, ये भी यहाँ पर बात दिखाई देती है। जितना ज़्यादा खर्च करेंगे उतना ज़्यादा पैसा आएगा, इसलिए सेविंग के बजाय इन्वेस्टमेंट पे आप ज़्यादा ध्यान देवें तो ये आपके लिए फ्रूटफुल रहेगा। जहाँ तक लक लाइन की हम बात करेंगे तो लक लाइन अब जाके बहुत स्ट्रॉन्ग कंडीशन में आ रही है, वो भी मून की, तो इसलिए आपके मन के लायक काम होना, फॉरेन से कनेक्शन होना या बर्थ प्लेस से दूर सेटलमेंट या लक मिलना, ये सब कॉम्बिनेशन यहाँ पर अच्छा है। जहाँ तक बात करें कि आप फॉरेन जाएंगे कि नहीं, तो आप मोस्ट प्रोबेबली नहीं जाएंगे, क्योंकि लाइफ लाइन का फ्लो जब शुक्र की तरफ झुकता है तो फैमिली से कनेक्शन, बॉन्डिंग बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, तो फैमिली की जिम्मेदारी नहीं छोड़ के जाते हैं। लेकिन यस, आपको अपॉर्चुनिटी डेफिनेटली आ सकेगी। अदरवाइज़ ओवरऑल जो आपका लक है वो 32 के एज से बहुत ज़्यादा अच्छा है। यहाँ पर वरी लाइन आपके पाम में एक्टिव हुई है, वो भी खासकर आपके लक और माइंड लाइन को काट के गई है, तो ये दर्शा रहा है बेफिजूल का खर्च और मेंटल प्रेशर। तो ये चीज़ आपके लाइफ में अप्रोक्सीमेटली 37 और 42 के मिड में होता दिखाई दिया है। तो इस पीरियड में खासकर कोई नया काम ना करें, इन्वेस्टमेंट्स ना करें, मेडिक्लेम मेंटेन रखें इस पीरियड में, और शिव जी की आराधना पे ध्यान दें, तब जाके ये वरीज़ या इस तरह के रुकावटें लाइफ में ख़त्म हो सकेगी। और लक लाइन अभी और मजबूत हमें करना है, क्योंकि ये रुक रहा है, तो अपने इमोशंस को मेंटेन रखें या इमोशनल डिसीजन लेना ख़त्म करें, बंद करें, प्रैक्टिकलिटी, लॉजिकलिटी को अपने लाइफ में बढ़ाएं, प्रेजेंट मोमेंट को ज़्यादा जीना या इन्जॉय करना शुरू करें, और वर्तमान में अपने तरफ से 100% एफर्ट डालें
और ओवरऑल जो आप चंद्र का रेमेडी करेंगे तो मून लक लाइन है ही, वो और मजबूत हो जाएगा, तो आपका एक बार में सभी तरह का काम बनना शुरू हो जाएगा। सूर्य के क्षेत्र के ऊपर में देखेंगे तो सन लाइन बहुत ज़्यादा अवेलेबल जब होती है तो कन्फ्यूजिंग माइंडसेट देती है, क्योंकि मल्टीपल इंटरेस्ट यहाँ पर ये बिल्ड करता है। इसी कारण से बेफिजूल की भागा दौड़ी जीवन में बढ़ जाती है। जब दूसरों के अनुसार दूसरों को देख काम करना शुरू करते हैं तो भी ये लाइन आ जाती है। तो आपको यहाँ पर यही मेंटेन करना है कि ऑर्गेनाइज वे से काम करना है, मैनेजमेंट अच्छा रखना है, तो एक समय पर एक काम करें, मल्टीपल वर्क या मल्टीपल इंटरेस्ट की तरफ नहीं जाएं, क्योंकि सूर्य की जब ऊर्जा इस तरीके से बार बार रेखाओं में विभाजित होती है तो फोकस, डिवोशन, डेडिकेशन, कंसिस्टेंसी में बहुत कमी देता है, और फिर बार बार एक काम छोड़ दूसरा काम पकड़ते हैं, दूसरा इंटरेस्ट डेवलप हो जाता है, तो इस तरीके से फिर जीवन में भागना लगा ही रहता है। तो इसको हमें मेंटेन रखना है। बाकी इसके जस्ट बाद में स्क्वायर का साइन इधर भी आया है, तो ये भी आपको अच्छी खासी प्रॉपर्टी वेल्थ देने में सक्षमता दे रहा है। कब तक ये होगा अभी इसका भी हम जजमेंट लेंगे। बाकी यहाँ पर अभी आपके पॉजिटिव साइन और डेवलप हो सकता है, तो रूल्स, रेगुलेशन, डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी लाइफ में लाइए, तो आपका कॉन्फिडेंस, डेडिकेशन, एम क्लियरिटी, ये सारी चीज़ें अच्छी हो सकेगी, और जिस चीज़ के आप हकदार हैं वो चीज़ आपको मिलना, रिवॉर्ड अवार्ड मिलना, सिक्योर्ड जॉब वर्क मिलना, सक्सेस बहुत अच्छा मिलना जीवन में शुरू हो जाएगा। मरकरी माउंट आपका यहाँ पर अच्छा है क्योंकि यहाँ मल्टीपल लाइंस की अवेलेबिलिटी आ रही है। एक यहाँ पर क्रॉस का साइन आप देखेंगे, यहाँ इधर पे एक है और एक जस्ट बहुत हल्के से स्तर पे यहाँ पर भी है, लेकिन ये फिश सिंबल में कन्वर्ट हो रहा है। तो मरकरी लाइन अभी और माउंट पॉजिटिव होता दिखाई दे रहा है, बट क्रॉस का साइन होने के कारण ये दर्शाता है कि पैसों के लेन देन में सावधान रहें, चीटिंग फ्रॉड हो सकता है, बिना सोचे समझे कहीं साइन करने से बचें, पार्टनरशिप में काम करने से बचें, कोई भी कुछ भी बात कह रहे हैं तो तुरंत उस पर रिएक्शन या एक्शन नहीं लेना है, अपनी बुद्धिमत्ता सूझबूझ से काम करना है, तो ये क्रॉस का नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं आएगा। और दूसरा मरकरी पर मल्टीपल लाइन से, तो यस, मल्टीपल लैंग्वेजेस का नॉलेज देता है, लक अच्छा देता है कम्युनिकेशन में, थोड़ा जो स्टेज फियर है इसको अभी हमें ख़त्म कराना है, ये क्योंकि जब भी ये शॉर्ट होता है तो आगे से कम्युनिकेट करने में स्ट्रेंजर अपोजिट जेंडर से तकलीफें आती हैं, हिचकिचाहट, घबराहट होता है, मन के अंदर बात को दबाते हैं, ना नहीं कह पाते, ये पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का हिस्सा है, इसका सजेशन आपको दिया जाएगा तो मरकरी को और मेजर स्ट्रेंथ आपको मिल सकेगा। इसके बाद में हार्ट लाइन के एंड में गोपुज की आकृति गुड सेंस ऑफ ह्यूमर और फ्लर्टी रोमांटिक नेचर बिल्ड करता है, और यहाँ पर बस हार्ट में इशू दिखाई दिया, बाकी मल्टीपल इस तरह की लाइंस मल्टीपल इमोशंस को रिप्रेजेंट करता है, तो आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिकल लॉजिकल होते चले जाएंगे, अंडरस्टैंडिंग लेवल को बढ़ाते जाएंगे, यानी अपने माइंड लाइन को यानी नॉलेज को एक्टिव करते जाएंगे, तो उतना ज़्यादा आपका इमोशन यहाँ पर बैलेंस मेंटेन होना शुरू होगा, तो इमोशनल ट्रबल लाइफ में आना ख़त्म होना शुरू आपके हो जाएगा। अब यहाँ पर जब भी इस तरीके से छोटे छोटे द्वीप की आकृति होती है तो चाइल्डहुड ट्रोमा इसलिए बीतता है क्योंकि जो सराउंडिंग कंडीशंस एनवायरनमेंट वो सपोर्ट नहीं करता है, हेल्थ को भी, मेंटल हेल्थ को भी, और इसीलिए दब करके रहना या एक तरीके से सहम कर रहना या अपने अनुसार कोई काम नहीं कर पाना, ये यहाँ ज़्यादा मेजर दिक्कत देता है। इसीलिए इस कंडीशन में ना चाहते हुए भी डिपेंडेंट होना पड़ता है दूसरों पर, और इसीलिए यह एक तरीके से इंडिपेंडेंट टाइप का नेचर या ब्रॉड माइंडेड पर्सनैलिटी या हिम्मती स्वभाव को कमज़ोर करता है। अभी भी यहाँ पर आइलैंड के कॉम्बिनेशन है जो अननेसेसरीली मेंटली स्ट्रेस आपको दे सकते हैं, करियर के रिगार्डिंग ही स्ट्रेस आ जाना, ओवरथिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग आ जाना, अननेसेसरीली प्रेशर आ जाना, ये सब का रेमेडी आपको दिया जाएगा, बट आपको यही सुझाव है कि आपके जीवन में 99% प्रॉब्लम जो था वो ख़त्म हो गया है, वो चला गया है, अब कोई भी प्रॉब्लम मेजरली नहीं आने वाला है, तो जितना हो सके खुशी के साथ आप जीवन यापित करें, कूल काम रहें और प्रेजेंट को एंजॉय करें। परमात्मा ने जीवन बहुत मुश्किल से दिया, बहुत अच्छा दिया है, उसे प्रॉपरली वे में लेकर के जाइए, आपके पास किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है, ना आइंदा कोई कमी रहेगी, बहुत अच्छा लाइफ है। लेकिन अगर आप ज़्यादा सेंसिटिविटी रखेंगे, ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग करेंगे, अननेसेसरीली वरी आउन करेंगे, तो फिर इस कंडीशन में आप कहीं ना कहीं अपने साथ ही खिलवाड़ करेंगे, तो यहाँ थोड़ा सा आपको संभल के रहने की ज़रूरत है। इसीलिए अपने आप को इंगेज रखना ऐसे सभी चीज़ों में जो आपको जीरो थॉट प्रोसेस पे ले जाए, और वो सभी चीज़ें होती हैं खुद का इंटरेस्ट, पैशन, हॉबी। छोड़ दीजिए कौन क्या कह रहा है, कौन क्या रिएक्ट कर रहा है, किसको क्या फ़र्क पड़ रहा है, किसी को किसी से
कोई भी लेना देना नहीं है, परंतु आपको और आपको आपको चाहने वाले लोगों को आपसे लेना देना है। तो आप प्रसन्न खुश रहेंगे, मस्त रहेंगे, भाग्य भी मजबूत करेंगे, पीसफुलनेस हैप्पीनेस को भी इंजॉय करेंगे और आपसे जुड़े लोगों को भी बहुत फ़ायदा देंगे। अब ये चीज़ अगर आप करते हैं तो ये माइंड लाइन जो आउटर मार्स की तरफ गई है और या फिर ये बायफोर्क हुई है, ये बहुत बड़ा आपको बल देने वाली है। ये इसे कहते हैं राइटर्स फोर्क। ऐसे जातक बुक लिखते हैं, ऐसे जातकों के जो भी ज्ञान है, योग्यता है, ये छपता है, ये बिकता है। तो यानी बहुत बड़े स्तर पर आपका दूर दूर तक नाम सम्मान और आपकी बुद्धिमत्ता से अनेकों तरह के लाभ आपको और लोगों को मिल सकेगा। लेकिन उसके लिए अपने मेंटल एफर्ट्स को बढ़ाना, मेंटली स्ट्रांग होना, मेंटली स्टेबल होना, वरी फ्री होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तब जाके इसका संपूर्ण लाभ मिलेगा। और आप अपने एजुकेशन को कंटिन्यू रखिएगा, पोस्ट ग्रेजुएशन भी हो जाता है तो भी आप एजुकेशन ब्रेक मत करिएगा, क्योंकि राइटर फॉर जब बनता है तो ये डॉक्टरी लेवल तक का पढ़ाई व्यक्ति को करवाता है और बहुत बड़े स्तर का लाभ पढ़ाई लिखाई के द्वारा देता है। तो जितना ज़्यादा माइंड एक्टिव रहेगा, इमोशन बैलेंस रहेगा, लक ऑटोमेटिकली इनहेंस आपका हो जाएगा। फिर यहाँ पर लाइफ लाइन के ऊपर देख रहे हैं तो आपकी प्रोग्रेस लाइन जैसे यहाँ पर निकली हुई है, वैसे ही 35 में, उसके बाद 38 में, 40 प्लस में, मल्टीपल ट्रैवलिंग, फॉरेन ट्रैवलिंग, सब कुछ आपके लाइफ में बढ़िया है। अब यहाँ सब कुछ अच्छा होते हुए भी दिक्कत ये है कि वरी लाइन बहुत ज़्यादा एक्टिव हो रही है। ये होती इसलिए है जब हम बेचैन होते हैं, बिना सोचे समझे निर्णय लेते हैं या बात कह देते हैं, जब इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन, एग्रेशन, बेचैनी होता है, सब्र की कमी होता है, तब ये वरी लाइन आ जाती है। नीम का पेड़ लगाइए, उग्र देवी देवता की आराधना करिए या शिव जी की आराधना करिए, हनुमान जी की आराधना करिए, ये सब वरीज आपका ख़त्म होना शुरू हो जाएगा। और जिम जाना आप शुरू करिए, वॉकिंग तो करना ही है, पसीना का महत्व तो आपको बतलाया गया है, वैसे ही जिम आप जाएंगे तो ये वरीज आपके लाइफ में जो इतना आ रहा है डायरेक्टली इनडायरेक्टली ख़त्म होना शुरू हो जाएगा। और शुक्र माउंट आपका डेवलप बहुत अच्छा है, निश्चिंत रहिए, मैरिड लाइफ बहुत अच्छा रहेगा, सभी तरह के प्लेजर फुलफिल हो सकेंगे और लग्जरीज, कंफर्ट, मटेरियलिज्म फुल एंजॉय आप कर सकेंगे। आप फैशन, ब्यूटी, इंटीरियर डिज़ाइनिंग के प्रति इंटरेस्ट रखते हुए दिखाई दे रहे हैं, कला प्रेमी, साहित्य प्रेमी आपके अंदर बहुत अच्छा है। इस कंडीशन में अपने प्यार को शो करने की आदत, अपने लाइफ को मेंटेन करने की योग्यता, हाइजीन मेंटेन करने की योग्यता, यूनिक चॉइसेस, ब्रांडेड चीज़ें पसंद आना और खर्चीला स्वभाव यानी रॉयल्टी बेस्ड पर्सनैलिटी, ये सब बहुत अच्छा दे रहा है। इस कंडीशन में देखा गया है कि ऐसे जातकों को शौक होता है कलेक्शन का, यूनिक या बड़ी चीज़ों का, जैसे वॉच का या परफ्यूम्स का या किसी और दूसरी तरह की चीज़ों का। ये शुक्र आपका बहुत अच्छा यहाँ पर बिल्ड है, ये आपको नॉर्मल लाइफ नहीं, एक्स्ट्राऑर्डिनरी लाइफ ही देने वाला है। एज आपकी आराम से 75-80 प्लस जा रही है। फॉरेन से कनेक्शन लाभ पूरा का पूरा यहाँ पर केतु का क्षेत्र दिखा रहा है और चंद्रमा के क्षेत्र पर यहाँ वरी लाइन के अतिरिक्त आड़ी रेखाएं हैं जो मन को विचलित, भयभीत ज़्यादा कर रही है। और मरकरी लाइन अभी एक्टिव नहीं है तो मनी सेविंग इशू रहेगा, इसीलिए इन्वेस्टमेंट करना ज़रूरी है। तो बाकी जितने रेमेडी सजेशन है आपको भेज दिए जाएंगे। और लेफ्ट हैंड में हम देखेंगे तो यहाँ पर भी आपकी लक लाइन करेक्ट 32 से एक्टिव हुई है। सन माउंट पे बहुत सारी लाइन हॉचपॉच या कन्फ्यूज़न को इंडिकेट कर रही है, लेकिन राइट की कंडीशन अच्छी है हैंड की, इसलिए ज़्यादा वरी वाली बात अब नहीं रही। बायफोर्क का कॉम्बिनेशन सैटर्न पे लक्की बनाता है, ओल्ड एज कंफर्टेबिलिटी देता है और कंटिन्यूस प्रोग्रेस 32 से लेकर लाइफ में आपको रहने वाला है। अननेसेसरी वरी या बहुत सारी चीज़ों को आजमाने की तरफ कम से कम ध्यान देवें, तो फोकस कंसिस्टेंसी को बढ़ाएं, बहुत अच्छी लाइफ आपकी रहेगी और प्रकृति के निकट जितना हो सके रहें तो आपको मेंटल पीस, इनर पीस, हैप्पीनेस और ओवरऑल स्टेबिलिटी देखने को मिलेगा। तो ये थी सबसे महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ के विषय में। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो, कोई और अगर रह गया हो तो ज़रूर पूछें। तब तक अपना ध्यान रखें, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।